बारिश का मौसम, खिड़की से दिखने वाली धीमे धीमे गिरने वाली बारिश, हर जगह फैली हुई हरियाली, सामने गर्म पकौड़े से भरी हुई प्लेट और हाथ में गर्म चाय की प्याली, सोच के भी कितना अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता ऐसे सब कुछ होना। लेकिन बारिश में जैसे एंजॉयमेंट बढ़ती है, आउटिंग बढ़ती है, पिकनिक प्लान्स बनते हैं, वैसे बीमारियां भी बढ़ती है। और आपको पता है, जैसे दिल का रास्ता पेट से होता है, वैसे हेल्दी लाइफस्टाइल का रास्ता भी पेट से ही होता है। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर पुणे से, और आज हम देखेंगे 10 इम्पोर्टेंट फूड टिप्स जिससे आप इस मानसून सीजन में भी हेल्दी रह सकते हैं। टिप नंबर 1, पीने का पानी हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। बारिश के सीजन में जो भी पानी आता है उसमें काफी सारी मिट्टी, जर्म्स हो सकते हैं जिससे बीमारी हो सकती है। इसलिए एक तो पानी फिल्टर होना चाहिए या तो फिर उसे अच्छी तरह से उबाल के ठंडा करके पीना बेहतरीन तरीका है। टिप नंबर 2, जो भी वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स है उन्हें कच्चा नहीं खाना चाहिए। बारिश में वेजिटेबल्स पे, लीफी वेजिटेबल्स पे, उनके पत्तों पे काफी सारी मिट्टी, जर्म्स हो सकती है जो कि साफ करने से भी अच्छी तरह से, पूरी तरह से साफ नहीं होती। इसलिए या तो कच्चे वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या सैलड नहीं खाना चाहिए, और अगर आपको खाना ही है तो उसे उबाल के पका के खाना बेहतर है। टिप नंबर 3, जो भी फल, सब्जियां, हरी सब्जियां हम लोग खाने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ कीजिए। पानी से अच्छी तरह से साफ करना या तो फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को एक पानी में थोड़ा नमक डाल के आधे घंटे भिगो के फिर से उन्हें यूज करना बेहतर है। टिप नंबर 4, हमेशा गरम गरम चीजें खाइए जिससे बॉडी को गर्मी मिले, शरीर को गर्मी मिले। इस सीजन में क्योंकि हर जगह बहुत ठंडी होती है, एनवायरमेंट भी बहुत कोल्ड रहता है, इसलिए ऐसी चीजें खाते पीते रहना चाहिए जिससे गर्मी बनाए रहे। जैसे कि गर्म दूध, गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म गर्म सूप, पतली चीजें जो कि गर्म हो, या फ्रेशली पका हुआ गर्म गर्म खाना जिससे शरीर की गर्मी बनाए रहती है। टिप नंबर 5, बाहर का खाना, अनहेल्दी खाना, स्ट्रीट फूड अवॉइड कीजिए। काफी बार बाहर जो खाना मिलता है वो अनहेल्दी हो सकता है, उसमें काफी जर्म्स ग्रो होते हैं और इस सीजन में फूड पॉइजनिंग की रिस्क बढ़ती है, इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करना बेहतर है। टिप नंबर 6, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। चाहे खाना कितना भी फ्रेश लग रहा हो या कल का ही बना हुआ हो, लेकिन सीजन की वजह से इसमें जर्म्स जल्दी ग्रो होते हैं और उससे पेट को तकलीफ हो सकती है। इसलिए कोशिश करो कि बासी खाना ना खाए और सिर्फ फ्रेश फूड या फ्रेशली कुक फूड ही खाए। टिप नंबर 7, ठंडी चीजें खाना अवॉइड करें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें खाने से काफी बार सर्दी खांसी बहुत आसानी से हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजें अवॉइड करें। टिप नंबर 8, खट्टा दही छाछ ना खाए। खट्टा दही छाछ आसानी से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इन्वाइट कर सकता है। अगर आपको दही छाछ खाना ही है तो वो फ्रेशली बना हुआ चाहिए, यानी वो रात में बनाने रखा हो तो सुबह वो खट्टा नहीं होता है, वो जैसे मिल्क के टेस्ट का होता है, तो वो खाने से सर्दी जुकाम नहीं होता है। 9th टिप, वो है तली हुई चीजों के बारे में या फ्राइड फूड के बारे में। अगर मैं कहूंगी कि ना खाओ तो आप मेरा वीडियो देखना बंद करोगे। आप ये चीजें जरूर खा सकते हो, लेकिन प्रिफरेबली ये घर में बनी हुई चाहिए। और अगर मानो ये तली हुई चीजें ज्यादा खाने से गले में खराश लगती है, तो उसके बाद आपको तुरंत गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए। अभी आखिरी टिप नंबर 10, लहसुन, अदरक, ब्लैक पेपर जैसी चीजें अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए। एक तो ये सारी चीजें शरीर में गर्मी बनाती है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे होने वाली बीमारियों से हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। आई होप इस सारी टिप्स को यूज करके आप ये पूरे मानसून में हेल्दी रह सकते हैं। ये मानसून एंजॉय करने के लिए दो चीजें ना भूलिए। जब भी आउटिंग जाए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू।